तो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस सेशन में इसको हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है ना। इस सवाल का आंसर हमने किया था कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उम्मीद करता हूं कि आप सब इसका आंसर दे पाएंगे, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो सिंपली मैंने बताया था कि इट इज ऑफ फॉर्म ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में होता है, जहां पे वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, है ना। ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं और ए बराबर है 0 नहीं होता, ठीक है। ए इक्वल्स टू 0 नहीं होता बच्चों, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए बच्चों, जब आपको पता लग गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो क्या करना है अब हमको, अब हमें पहचानना है कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन से नहीं, है ना, चेक करना है। तो यही क्वेश्चन हम कर रहे थे, 3 पार्ट इसके हम कर चुके हैं। अभी आपको फोर्थ पार्ट करना है, फोर्थ पार्ट में हैं हम। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे? अब यहाँ पे आपको गिवन है x-3, 2x + 1, x × x + 5, यही है। साथ में कर लेते हैं इसको हल। तो क्या बोला गया है, ब्रैकेट ओपन कीजिए इसका। सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करके x को 2x से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x² + x - 6x और -3, ठीक किया है। मल्टीप्लीकेशन पे ध्यान रखना, साइन की मिस्टेक ना हो, यही हमें ध्यान रखना है। अगर डाउट लगे दोबारा आप चेक कर लीजिए, है ना, दोबारा चेक कर सकते हैं, बहुत समय नहीं लगेगा। x × 2x, 2x² + x - 6x एंड -3 = ये ब्रैकेट ओपन कीजिए, x² + 5x, है ना। सिंपल, सबको लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, तो क्या आ जाएगा, 2x² - x² + x - 6x - 5x - 3 = 0। सॉल्व कर दीजिए, 2x² - x², x² बच गया, और ये कितना आ गया, -6x एंड -5x कितना हो गया, -11x, -11x + x, तो माइनस, -3 = 0, यही आएगा ना इनको सॉल्व करके। तो इसको आप क्या करेंगे मुझे बताइए, ये कौन सी फॉर्म में है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? इट इज ऑफ फॉर्म, इसी फॉर्म में है ना ये, ax² + bx + c = 0, है कि नहीं। यहां लिख देंगे आप, हेंस द गिवन गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जो दी हुई इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नोट डाउन कर लेंगे बच्चों, ठीक है। और अगला पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहां पे अगला सवाल करेंगे हम, है ना। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए, फिफ्थ पार्ट है, सॉल्व कीजिए इसको। 2x-1 x-3 = x + 5
एक्स माइनस वन, ठीक है। इसको हल करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर के बाद माइनस सिक्स एक्स, माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव, ठीक है। तो इसको हम हटा देंगे अभी। फिर क्या करना है, इनको एक साइड लेके आ जाइए, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। साइन का ध्यान रखना है हमें खासकर, और कोई दिक्कत नहीं होगी। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर। फिर ये है माइनस सिक्स और माइनस फाइव, है ना, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स आपस में कट गए, तो माइनस इलेवन एक्स ये बच गया और ये प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्या करना है, चेक करना है ये क्या इस फॉर्म में है, बिल्कुल है, इट इज ऑफ फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो आप लिख देंगे हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिफ्थ पार्ट, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, एक पार्ट और कर लेते हैं इसका, बाकी आप अपने होमवर्क में कर, ठीक है, बाकी के जो दो पार्ट बचेंगे वो होमवर्क में करेंगे। तो चलिए फटाफट अगला पार्ट देखिए इसका, पार्ट नंबर सिक्स। पार्ट नंबर सिक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ये एज इट इज रखिए अभी, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फॉर्मूला लग जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर माइनस टू, ए है एक्स बी है टू, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको फिर सॉल्व करेंगे। बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये आपको चेक करके बताना है। तो बच्चों आंसर आपका अब तक आ गया होगा, नहीं आया है तो अभी हम निकाल लेंगे। देखिए इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस थ्री एक्स है, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा माइनस फोर एक्स, और माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, और प्लस वन और माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, इसका ये स्क्वायर करेंगे तो चार आएगा, है ना, और साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा प्लस माइनस, कितना आ गया चार और तीन सात, सात एक्स, और माइनस तीन इज इक्वल टू जीरो। क्या ये इस फॉर्म में है, नहीं है, इट इज नॉट ऑफ फॉर्म, ये इस फॉर्म में नहीं है, कौन सी फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो आप लिखेंगे हेंस हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये कर लिए हैं सबने, तो लास्ट के जो दो पार्ट हैं वो होमवर्क में जरूर कंप्लीट करें, इसको भी नोट डाउन करें। तो ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए अगला सवाल हम करेंगे, इसको ध्यान से समझना है आपको, पूछा क्या गया है आपसे,
तो यहाँ पे बोला गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो द्विघात समीकरणों के रूप में आपको निरूपित करना है बस, जो अभी आप देख रहे थे ना द्विघात समीकरण आपने जो सीखे थे, इस फॉर्म में इनको लिखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में। इस फॉर्म में आप इनको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? अब क्वेश्चन पढ़िए। वर्ड प्रॉब्लम्स आपको गिवन है और उनकी कंडीशंस को देखते हुए लिखते हुए आप इनको सॉल्व करेंगे। अब याद कीजिए जो पिछला चैप्टर हमने किया था, है ना, थर्ड चैप्टर जब हमने किया था, क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहां पे दो वेरिएबल्स का यूज कर रहे थे और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना रहे थे। यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल यूज करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, एक इक्वेशन बनेगी उसी को हल करना है, है ना। फर्क समझ में आया बच्चों? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे हल करेंगे आप। पढ़िए, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड, We need to find the length and breadth of the plot. तो यहाँ पे बोला गया है, हिंदी में पढ़ लेते हैं हम, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस आपको दी गई हैं, क्या एरिया दे दिया है, एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट का, और दूसरी कंडीशन दे दी गई है कि जो लंबाई है प्लॉट की वो एक ज्यादा है, किससे, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। समझ गए? तो इनका इस्तेमाल करके हमें इसको सॉल्व करना है। निकालना क्या है, सबसे पहले तो वो देखिए, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है इसकी। तो इनमें से लंबाई और चौड़ाई में से कोई एक चीज लेट कर लेंगे, दूसरी चीज हम फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो ये चीज फिगर बना के समझाने की कोशिश करूं मैं आपको। देखिए ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मान लो इसकी क्या बोली गई है कि अगर मैं चौड़ाई को x मान लूं, माना इसकी चौड़ाई x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ द प्लॉट हो जाएगी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, ये हो जाएगी बच्चों इसकी लंबाई, है ना। दोनों ही x फॉर्म में आएंगे आपके, लंबाई और चौड़ाई, ये समझना। और इसका क्षेत्रफल 528 है, और यहां से भी एक क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना, और इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी, बस यही प्लान है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले लिखेंगे लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, हिंदी में लिखेंगे आप, माना आयताकार की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है, तो लंबाई क्या होगी, नाउ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, बच्चों दी गई है ये, है ना, यहाँ पे कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। लेंथ इसकी हो जाएगी बच्चों 2x प्लस 1 मीटर, दे दी गई है भाई, जो चौड़ाई है, चौड़ाई हमने x मान ली, तो चौड़ाई का दोगुने से एक अधिक, मतलब उसमें चौड़ाई को दोगुना करके एक जोड़ दो तो लंबाई आ जाती है, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, है ना, लिख लीजिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो यहां पे लेंथ कितनी है, लेंथ है 2x प्लस 1 और ब्रेड्थ कितनी है x है, ये एरिया है। लेकिन एक सेकेंड,
आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है कि एरिया इसका 528 है ना। तो आप लिखेंगे ऐसे, लिख लीजिए हेयर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर गिवन, है ना। अब हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, एरिया कितना है हमारा 2x प्लस 1 इंटू एक्स, है ना, इज इक्वल टू 528। अब क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, ये द्विघात समीकरण आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। कहां से, दो कंडीशन हमें दी गई थी, इससे आ गई है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, कोई डाउट अगर लगता है पूछ सकते हैं आप। तो ठीक है बच्चों, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही कुछ पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के लिखना है। अब जैसे हमने पहला भाग किया था वैसे ही इसको करेंगे, ये आप होमवर्क में करेंगे, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कैसे करना है। बच्चों देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, दो लगातार इंटीजर, अगर हमने पहला इंटीजर x मान लिया तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 हो जाएगा, है ना। इन दोनों की जो प्रोडक्ट है क्या हो जाएगी, x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगी, है ना। लेकिन आपको प्रोडक्ट तो यहाँ पे दी गई है ना, यही बोला गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, ये होमवर्क हो जाएगा बच्चों, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप और अपने होमवर्क में कंप्लीट करके लाएंगे। बस आपको क्या करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जैसे पहले भाग में निकाला। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और जो भी आपको होमवर्क दिया गया है उसको अच्छे से कंप्लीट करें और इसको रिवाइज जरूर करें आज। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।